हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम फाइव टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जान चुके हैं। एक सॉइल टाइप बच गया था जो समय कम होने की वजह से मैं नहीं बता पाई थी, तो इस वीडियो में मैं उस सॉइल टाइप को कवर कर रही हूँ और वो था फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। इस फॉरेस्ट सॉइल को शुरू करने के पहले मैं जल्दी से एक बार बता दूं, ओवरव्यू दे दूं। ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये एलुवियल सॉइल है जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये जो रेड आप देख रहे हो ये रेड एंड येलो सॉइल है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा खास नहीं होती। ये जो ब्लू नीला कलर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये रहा, ये आसाम के पास, यहाँ देख रहे हैं उड़ीसा के कोस्टल एरिया के पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्नाटक और केरला के कोस्टल प्लेन में ये जो ब्लू कलर है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ये नीला रंग। तो ये जो नीला कलर है ये है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल नीला नहीं होता, बट मैंने नीले से इसको इंडिकेट किया है क्योंकि कलरफुल मुझे मैप को बनाना था। ये लेटराइट सॉइल जो होता है इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, कंपोस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ इस पे एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था एरिड सॉइल। ठीक है, एरिड सॉइल जो हमने देखा, तो एरिड सॉइल में हमने देखा कि ये डेजर्ट का सॉइल है बेसिकली, और राजस्थान में पाया जाता है हमारे यहाँ। इस पे खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर इसका प्रॉपर तरीके से इरिगेशन नहीं किया जाए तो। अब आइए हम चलते हैं हमारे आज के सॉइल की तरफ जो है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, यानी नाम से ही क्लियर है, जंगल की मिट्टी। इसको माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, और इसका जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, ठीक है, ये सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, यही फॉरेस्ट सॉइल का हिस्सा है। फॉरेस्ट सॉइल यही कवर करता है हमारे यहाँ। एंड बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स की बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। और इन ये जो मिट्टी होती है इसको ये टाइम टू टाइम बदलते रहती है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसके हिसाब से इस मिट्टी में भी चेंजेज आते रहते हैं। ठीक है, ये जनरली ये मिट्टी जो होती है ये सिल्ट वाली होती है, जहां पे रिवर्स होते हैं वहां पे इसमें सिल्ट होता है, यानी बहुत सारे सिल्ट पाए जाते हैं इसमें। लेकिन जब हम अपर स्लोप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे अपर स्लोप्स की तरफ, तो यहाँ पे जो ये मिट्टी होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस इसमें भी नहीं होता है। एंड जो रिवर की वैलीज होती हैं, उन रिवर की वैलीज में, मतलब जहाँ पे रिवर्स होकर जहाँ से गुजरती है वहां की मिट्टी फर्टाइल होती है क्योंकि वो रिवर के टच में होती है। ठीक है, तो ये था फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम नेक्स्ट चीज देखते हैं जो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में आप जानते हैं, और सॉइल इरोजन हमेशा से आप पढ़ते आए हैं कि सॉइल को जो किसी भी वजह से सॉइल को जब नदियां या पानी, रिवर्स वाटर कुछ भी अगर काट करके और उसको बहा के लेके चला जाता है, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, तो अब हमें ये देखते हैं कि सॉइल इरोजन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और प्रॉब्लम्स को भी जानना है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इससे, और इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे कर सकते हैं हमें ये भी जानना है। ठीक है, नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस होता है और सॉइल के बनने का जो प्रोसेस होता है वो साथ साथ ही चलता है। कहने का मतलब ये कि दोनों में बैलेंस बना होता है, यानी सॉइल अगर इरोजन हो रहा है तो वहां नया सॉइल बन भी रहा है, ये दोनों चीजें बैलेंस होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स कि जैसे डिफोरेस्टेशन करते हैं हम, ओवरग्रेजिंग करते हैं, या फिर हम माइनिंग करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इन चीजों से ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है और साथ में नई मिट्टी भी बन रही है, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन हम जो मिट्टी
को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने जंगल काट दिए, हमने डिफोरेस्टेशन किया, तो वो जो पेड़ है वो मिट्टी को अपने साथ बांध के रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को उसकी पेड़ की जड़ें जो है वो बांध के रखती हैं। लेकिन जब हमने पेड़ ही काट डाले तो वो मिट्टी और तेजी से इरोज होगी और उस हिसाब से वो तेजी से बन नहीं रही है, ठीक है। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ओवरग्रेजिंग है, चाहे वो डिफोरेस्टेशन है या माइनिंग है, ठीक है, इसके अलावा चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, हर एक चीज में जिसमें हम इस नेचुरल चीजों से छेड़छाड़ करते हैं, इसकी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। और इस बिगड़ने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, अब उसके बिगड़ने की वजह से वो चीज कमजोर हो रही है ना, वो वीक हो रही है। पेड़ को हमने काट दिया, वो मिट्टी जो बंधी हुई थी अभी तक मजबूती से पड़ी हुई थी, अब वो कमजोर हो गई। अब नदी का अगर बहाव तेजी से आएगा तो वो मिट्टी को उठाते हुए ले जाएगी, तो इसका हमेशा ही गलत असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जो बहता हुआ पानी होता है वो मिट्टी को काट करके और छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रीम्स बना लेता है, जिसे हम अक्सर ड्रेन्स भी कहते हैं कि ड्रेन बन गया है, ठीक है। एंड जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, इसको हम बैडलैंड कहते हैं। जैसे कई बार ऐसी जगह होती है जहां पे पानी जो आकर के वो मिट्टी को काटते हुए बहता हुआ चला जाता है, उस जगह पे हम प्लॉइंग नहीं कर सकते, इसको हम जोत नहीं सकते, तो इसे हम बैडलैंड कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बैडलैंड, ठीक है। ऐसी जमीन जिसे प्लॉइंग नहीं किया जा सकता, जो प्लॉइंग करने लायक नहीं रहती, क्योंकि उसको सॉयल इरोज होकर के वो जो नदी का पानी है, जो पानी बहता हुआ आ रहा है, वो उसको लेता हुआ बह गया है और कहीं बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स उसने बना लिए वहीं पर। वो नदी नहीं है, वो झरना नहीं है, लेकिन वो स्ट्रीम्स बन गया है और गड्ढे वड्ढे में जाके इधर उधर भर गया, तो वो जमीन जोतने लायक नहीं रह जाती, उसे हम बैडलैंड कहते हैं। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि चंबल बेसिन जो है, चंबल का नाम आपने सुना होगा, चंबल रिवर है उधर, तो ये जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन में इस तरह के रिवर्स, इस तरह के बैडलैंड को वहां पे कहा जाता है रेविन लैंड, ठीक है। चंबल बेसिन में इसे कहते हैं रेविन लैंड, किसे, बैड लैंड को ही। जैसे कुछ कुछ चीजों का लोकल नेम होता है ना, तो इस बैड लैंड का वहां का लोकल नेम जो है वो रेविन लैंड है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे में क्या होता है, इस जगह का जो भी ऊपर का जो सॉइल होता है वो बहता हुआ चला जाता है और पानी में घुल के रह जाता है, तो नतीजा क्या होता है कि इस जगह की फर्टिलिटी लॉस होने लगती है, ठीक है। कई बार हम, और इसे हम कहते हैं शीट इरोजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिला, शीट इरोजन। बैडलैंड वो है जो जगह पानी के बहाव की वजह से जोतने लायक नहीं रह गई। शीट इरोजन का मतलब होता है जब मिट्टी की जो अपर लेयर है सॉइल का, वो पानी के साथ साथ बहके चला जाता है, पानी में घुलता हुआ चला जाता है, तो ऊपर की एक लेयर निकल गई, तो इसे हम कहते हैं शीट इरोजन, ठीक है। एंड ये तो हुआ कि पानी से, कई बार हवा से भी मिट्टी उड़ती है। जैसे जब हवा से उड़ती है तो इसे हम कहते हैं विंड इरोजन, ठीक है, विंड इरोजन कहते हैं, जो कि विंड की वजह से होता है, विंड इरोजन कॉजेस बाय विंड। और कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से एग्रीकल्चर करने से भी इरोजन होता है, जैसे गलत तरीके से हल चलाने से, अगर गलत तरीके से हल चलाए, ऐसा किए कि हम स्लोप है और स्लोप से ऊपर से नीचे की तरफ हमने चला दिया, नीचे से ऊपर चलाएंगे तब तो चलो वो बराबर होगा, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे चला दिए तो क्या होगा, ऊपर से नीचे चलाएंगे तो स्लोप बन जाएगा, वहां तो ड्रेन बन जाएगा, नाली जैसा बन जाएगा, और जिससे क्या होगा, इससे होगा कि वहां से ऊपर जो हम पानी डालेंगे वो बहते हुए पूरा का पूरा काटता हुआ लेके चला जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां पर हिली एरियाज पर जो ये होते हैं, जो फार्म्स बनते हैं, जो खेती करते हैं लोग, वो ऐसे स्ट्रेयर्स की तरह बना करके, मतलब ऐसे लाइंस बना के, आपने देखा होगा स्टेप एग्रीकल्चर करते हैं, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो किस नाम से जानते हैं वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जनरल सा नेम है, बहुत ही जनरल सा नेम है, और वो नाम आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। और ये बेसिकली ये हिली एरियाज में किया जाता है, और हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ और हिली एरियाज में ये होता है, ठीक है, जो स्टेप की तरह से खेत बना करके ये किया जाता है, और इसीलिए किया जाता है कि सोयल इरोजन कम से कम हो, ठीक है। एंड इस प्लॉइंग को हम कंटूर प्लॉइंग कहते हैं, इस प्लॉइंग को हम
मैच्योर ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जाने, हमने बैड लैंड जाना, हमने रेविन लैंड जाना, हमने शीट एरोजन जाना और हमने कंटूर ड्राइंग जाना। इसके बाद से बेसिकली हम देखते हैं कि जब ये एरिया में इस तरीके के बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के जब लाइंस बनाए जाते हैं, इसकी वजह से काफी हद तक इरोजन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कई जगह क्या होता है कि क्रॉप्स के बीच में घास उगाई जाती है, इससे क्या होता है ना, घास के उगाने से कि विंड की वजह से जो इरोजन होता है उसको कमजोर करता है, क्योंकि वो घास जो मिट्टी को पकड़े रहती है, तो पकड़े रहती है तो मिट्टी वहां से उड़ के जा नहीं पाती विंड की वजह से। और इस तरीके को हम कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, इसे हम कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है, किसे, जो फसल बहुत क्रॉप्स के बीच में जो क्यारियां होती हैं, क्यारियों के बीच में जब घास उगाई जाती है, ग्रास उगाया जाता है, स्ट्रिप बनाया जाता है। जैसे हम कैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, कहते हैं स्ट्रिप वाले कपड़े, ऐसे स्ट्रिप बनाए होते हैं, तो उसी तरीके से क्रॉप्स लगे हुए हैं, फसलें लगी हुई, उसके बीच में घास की स्ट्रिप बनाई जाती है ताकि हवा से मिट्टी का इरोजन ना हो सके, इसे हम स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से शेल्टर बेल्ट लगा करके भी विंड से इरोजन को कम किया जाता है। ठीक है, शेल्टर बेल्ट स्पेशली इधर वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे जो अरिड सॉयल है उधर शेल्टर बेल्ट का काम ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वहां पे हवा से जो रेतीली मिट्टी होती है, क्योंकि वो तो ड्राई होती है ना, तो उसके उड़ने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉयल कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आप जरूर याद रखेंगे, स्ट्रिप फार्मिंग, फॉरेस्ट सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो टर्म इसको पढ़ने के बाद जो टर्म आए वो थे स्ट्रिप फार्मिंग, बैडलैंड, शीट इरोजन, कंटूर प्लोइंग, रेविन लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, और इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने जो हिस्ट्री का चैप्टर कुछ लेक्चर्स करके उसके छोड़े हुए हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसको हम जल्दी से करके और उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर हम हिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। इन टर्म्स को जरूर ध्यान रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली ये जो मैप यहाँ बना रखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है। इसके आने के चांसेस मैप वर्क में, मैप स्केल में बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। चाहे तो आप पॉज करके देख भी सकते हैं, ऐसे आपकी किताबों में भी होंगे, आपको गूगल पे भी, नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने चूंकि इस पे समझाया है तो शायद आप इसको देखें तो आपको बेहतर लगे। ठीक है, इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करती हूँ, विदा लेती हूँ आपसे।